इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। समथिंग टू सेल, आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए। और मुस्लिम वर्ल्ड क्यों करके कश्मीर के ऊपर बात करेगी, ये पाकिस्तान का मसला बनता जा रहा है क्योंकि दे आर मूविंग फॉरवर्ड। उन्होंने तो इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया, हमारे हम तो यहाँ बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसिस इतने यहाँ पे हार्श हैं कि हमारी जो पिछले 75 साल में इस जो फलस्तीन का और इसराइल का मसला, हमने इसको ज्यूश मुस्लिम मसला बना दिया है। हालांकि इसको आप जो है ना, एक इसराइली फलस्तीनी मसला होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, ना कि ज्यूश मुस्लिम मसला होता। बट एनी हो, दिस इज हाउ इट इज लाइक। लेकिन डेफिनेटली यू मस्ट हैव समथिंग टू सेल, आपकी बात से एग्री कर दो। आखिरी सवाल मेरे साहब आपसे मैं करने लगा कि वो एक इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, अभी हुए हैं जी, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है, तो पाकिस्तान इज कॉलिंग इट कि दिस इज अ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो डू यू रियली बिलीव कि डेमोक्रेसी विल रिटर्न इन कश्मीर और उनको भी वही हक मिलेंगे, यहाँ के इसी तरह सेंटर अभी कमजोर है और मोदी साहब कहते हैं कि नहीं भाई, अभी उनको अभी हम कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वैसा नहीं हो सकता जैसे बाकी जगहों में है, जमहूरियत वापस आएगी कश्मीर में? देखिए, मुझे तो लग रहा है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, दीज आर द ग्रीन शूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कश्मीर में आज तक फेक डेमोक्रेसी, ये जो अब्दुल्लाज और ये मुफ्तीज है ना, ये लोग, ये तो डकैत हैं बड़े बड़े। तो इन्होंने इनकी जब प्रॉपर्टीज की, आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जरदारी चोर है और नवाज शरीफ चोर है ना, ये सब आप कहते हैं कि चोर है। आप कभी इनका भी देख लेना तो आपको मजा आ जाएगा। ये कलाकार है, इनके लंदन में वही फ्लैट ना जो है ना, वो लंदन में इनके, न्यूयॉर्क में, यहाँ पे, ये वो, दुनिया भर के इनके। तो ऐसी चीज है कि डेमोक्रेसी क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, इट इज अ नॉइजी डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। और मैं सबसे पहला बंदा हूं जो हाथ खड़ा होकर यह कह दूंगा, सब ठीक है, वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टीचर्स, हम लोग स्टूडेंट हैं, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी हम्बल इन दिस रिगार्ड। बट अमेरिका जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, आप अमेरिका की एक बात बताइए कि अमेरिका की, क्या आपने देखा ना ट्रंप फिर मानने को तैयार नहीं, मैं आ गया हूं, तो वहां पे भी जो इलेक्शंस हुए थे डेमोक्रेटिकली हुए थे। तो इज अमेरिका परफेक्ट डेमोक्रेसी? नहीं, सब लोग सीख रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स। पहली चीज जो कश्मीर में हुआ ना, कश्मीर में अभी जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें काफी लोगों ने पार्ट लिया। कश्मीर में पहली बार हुआ कि अनजान लोग, जिनका नाम ना तो मुफ्ती था ना अब्दुल्ला था, ये लोग कहां से आ गए। आई थिंक इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सक्सेस, लोग कह रहे हैं साहब बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आई, इसकी कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आई और एनसी और पीडीपी की, यार एक बात बताओ आप चीमा साहब, एक मेरी बात समझो, ये बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क से बड़ी थोड़ी ना होती है। पर एक काम तो मोदी जी ने ठीक करा, ये जो डेमोक्रेसी का था ना चस्का, ये लोगों को, क्योंकि कभी ग्रासरूट डेमोक्रेसी थी नहीं कश्मीर में, वो बोलते थे, वो तो वहां के मसीहा बने हुए थे ना, खुदा बने हुए थे, वो बोलते थे, पीडीपी वाला ये बोलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला ये बोलेगा, वही चीज होगी। वो दरबार साहब से एक बार आपने बोल दिया, दरबार साहब हुक्म जारी हो गया। लेकिन अब क्या हुआ है कि नॉर्मल ग्रासरूट डेमोक्रेसी आई है कश्मीर में। और फिर मैं कह रहा हूं बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि थिंग्स यू नो टू स्टेबलाइज हैव नॉर्मल डेमोक्रेसी, बट थिंग्स आर फास्ट मूविंग टूवर्ड्स, पीपल हैव रियलाइज्ड कि ये हमें चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन चाहिए। और अब नए नए लोग आ रहे हैं गांव से, कश्मीर के गांव से पॉलिटिशियंस निकल रहे हैं, एंड दे आर बीइंग एनकरेज्ड कि यार तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तुम भी लड़ो ना, तुम लड़ो, तुम्हें जो तुम्हारे मुद्दे हैं तुम आगे उठो। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं चीमा साहब आप ये देखिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कश्मीर को, अगेन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे कि आप ठीक है कश्मीर में टूरिज्म बहुत गजब की है और ये सब, पर आपको कश्मीर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, करीब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कश्मीर में, पूरे J&K स्टेट में बात कर रहा हूं, हम लोग कश्मीर बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पूरे, तब जाके ये ठीक उठेगा। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये कैसे आएगी, आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है,
आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है, जो आपका आपका एरिया है जिसको हम पीओके बोलते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उधर तो सारे जम्मू साइड वाले तो हैं वो, ये मीरपुर जितने भी हैं, देयर फ्रॉम देयर देश भी वो गोजरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं वो, तो मेरी तो उनसे बहस हो गई, मैंने बोला आप तो डोगरा हो, आप कौन से कश्मीरी हो, आप थोड़े ना कश्मीरी हो, तो दे गॉट ऑफेंडेड कि नहीं हम तो बड़े पैशनेट है, मैंने बोला मैं भी पैशनेट हूं जी अमेरिका के बारे में, इसका मतलब मैं नहीं कि मैं गोरा हो गया, मेरे बाल ब्लॉन्ड हो गए और मैं अमेरिकन हो गया हूं, तो मैं हिंदुस्तानी, आप कहीं के लिए भी पैशन, दे डोगराज बेसिकली एथनिकली दे डोगराज, तो कुछ नहीं बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज एक अलग है। सो कहने की बात यह है कि मतलब ये जो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी है तभी होगी, पहले तो जैसे जियाले आपके यहां वर्ड यूज करते हैं ना, जियाले पीपीपी के जियाले वर्कर्स जो हैं, जो बीवी के नाम पे जान कुर्बान, वो डायलॉग बाजी जो करते हैं ना, फिर बंदे कहते हैं शेर आया शेर आया। तो इस टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कश्मीर में बहुत प्रेविलेंट था कि महबूबा मुफ्ती ने बोल दिया तो हम कुर्बान हो जाएंगे, और इसने बोल दिया कुर्बान, आपको किसी के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत नहीं है, आप पैसे कमाओ, घर जाओ, बीवी बच्चों का ध्यान रखो, माँ बाप की सेवा करो और बच्चों को पढ़ाई कराओ, चाहे बेटा हो या बेटी, इनको पढ़ाओ, ये आपका पहला फर्ज है, और अगर आप अपना फर्ज ठीक से करोगे तो भारत अपने आप तरक्की करेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी हथियार लेके बॉर्डर पे चला जाए, नहीं, यू डोंट हैव टू वेयर यूनिफॉर्म टू बी अ पेट्रियट, आपको जरूरी नहीं है वर्दी पहने तभी आप कुछ भी करो, आप अच्छा काम करो ना अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, सब ठीक हो जाएगा। और वो वहां पे दो परिवारों से ही फुर्सत नहीं थी उन लोगों को, तो अब फुर्सत मिली उनसे लोगों से। अब महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दे दिया बहुत अच्छा चीमा साहब, शी हैज गिवन अ स्टेटमेंट दैट जब तक 370 यू नो और 35A विड्रॉ नहीं होगा तब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी, सो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव एंड शी हैज एक्चुअली गिवन हर रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम पॉलिटिक्स, शी इज गॉन। लेकिन बट एनी हो वो जारी बात, तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप ये वीडियो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठते हैं जो आपको पता है, इनका नाम है कमर चीमा साहब, इंडियन मीडिया में भी काफ़ी दिखते हैं, इंडियन मीडिया में आपने इनको देखा होगा, रिपब्लिक टीवी में और आज तक और बहुत सारे न्यूज़ शो में पॉलिटिकल एनालिस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो भी जो डिबेट होती है उसमें आते हैं। तो इन्होंने फाइनली कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल इलेक्शन रहे, आपको पता है वोटिंग परसेंटेज भी मुंबई में जो वोटिंग परसेंटेज रहते हैं उससे ज़्यादा था, आपको पता है मुंबई की जनता तो वोट डालने जाती ही नहीं है, मुंबई में जो वोटिंग परसेंटेज होता है एज़ यूज़ुअल उससे काफ़ी ज़्यादा था। और इस बार आपको पता है कि कश्मीर रीजन में भी बीजेपी ने कमल खिलाया है, ये एक नई डेवलपमेंट है। हालांकि आपको पता है जम्मू में जो है बीजेपी का कब्जा रहता ही है, आज से नहीं पिछले कई सालों से, और कश्मीर रीजन में भी बीजेपी कमल खिलाने में सफल रही है, हालांकि इतने नंबर नहीं आए उनके, 3-4 ही उनके जो नंबर आए हैं उतने ही हैं, लेकिन सक्सेसफुल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे जम्मू कश्मीर को अगर काउंट करें तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी निकली है, जो कि एक बड़ी बात है। और जो दूसरे थे गुपकार ग्रुप था आपको पता है, जिसमें महबूबा मुफ्ती और अपने जो अब्दुल्ला साहब हैं उनकी पार्टी और बहुत सारी पार्टियां मिलकर लड़ी थी, वो तो नंबर्स में बहुत आगे हैं पता है आपको, लेकिन जो निर्दलीय जीते हैं वो बहुत सारे हैं आपको भी पता है। तो कश्मीर में सबसे बेसिकली सबसे अच्छी बात ये रही कि इलेक्शन रहा है सक्सेसफुल, जो 370 का हवा फैलाया हुआ था वो तो हो गया फेल, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्हें वोट डालना नहीं डाले, इलेक्शन में दखल दें ना दें, लेकिन जो मेजॉरिटी पीपल है उन्होंने चुनाव को सपोर्ट किया और वोटिंग के लिए निकले, ये सबसे अच्छी बात रही है। तो ये आपको पता है मेजर गौरव आर्य ने ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, ये बहुत तरीके से बताया कमर चीमा को। हालांकि पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर में अभी भी कर्फ्यू है, कश्मीर के लोग कैद हैं, कश्मीर के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ये वो, इन लोगों का तो यही चलता रहता है। आपको पता है कश्मीर और भारत का बॉर्डर जो है LOC, भारत का जो LOC है मतलब जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है वो कितना अजीब सा है। अभी कुछ दिन पहले दो लड़कियां मतलब रात के अंधेरे में क्रॉस कर गई थी, मतलब आप समझ सकते हैं कि LOC इतना कोई खास बहुत
स्ट्रिक्टली वहाँ पे कुछ तार वगैरह नहीं लगाए गए हैं, तो वहाँ पे टेररिस्ट बड़ी आसानी से घुस सकते हैं। तो पाकिस्तानी तो यही चाहेंगे कि यहाँ से कुछ जिहादी भेजें, बम बांध के वहाँ पे विस्फोट कराएं, कहानी ख़त्म। तो आप समझ सकते हैं कि इतना अजीब सा ये बॉर्डर है कि यहाँ पर कई जगह तो तार लगाना भी मुश्किल पड़ सकता है कि ऐसे कुछ एरिया हैं, ऐसे ऊँचे नीचे एरिया हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।